Very good morning, dear students. Today I'm going to explain you Unit 6 Good Health. And the section 4 of this unit, Good Nutrition, Stronger Nation. Means, अगर हमारे अंदर proper nutrition होंगे, अच्छा nutrition होंगे, तो फिर हमारी हमारा जो nation है वो भी strong रहेगा, क्योंकि हम healthy रहेंगे. जैसे कि कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो आने वाला भविष्य होते हैं, हमारे देश का फ्यूचर है. और इसीलिए अगर बच्चे ही अच्छे स्वस्थ होंगे, उनके पास अच्छा न्यूट्रिशन होगा, हेल्दी होंगे, तो हमारा जो देश है वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा. चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री. स्ट्रांग चिल्ड्रन मेक अ स्ट्रांगर नेशन. एज आई टोल्ड यू कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य, हमारे नेशन का फ्यूचर है, हमारी कंट्री का फ्यूचर है. और इसीलिए ऐसा कहा गया कि स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन. जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं वो क्या बनाएंगे, एक उज्जवल एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे और अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे. अ वेरिड डाइट इज होलसम एंड न्यूट्रिशियस. आप देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं वेरिड मीन्स जो डाइट से उसमें वेरिएशंस और होलसम एंड न्यूट्रिशन. व्हाई इज न्यूट्रिशन सो इम्पोर्टेंट. हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है. गुड न्यूट्रिशन डिटरमाइंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुड न्यूट्रिशन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड रिजल्ट इन हेल्दी चिल्ड्रन. कि बच्चा कितना हेल्दी है, इवन उसका जो फिजिकली डेवलपमेंट है और उसका जो इंटरनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ठीक से हो रहा है नहीं. अगर दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, दोनों चीज़ें अगर एक साथ वर्किंग कर रही हैं, इफ़ दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर एंड इफ अ चाइल्ड इज स्ट्रॉन्ग इंटरनली एंड एक्सटर्नली देन इट इज देन ही इज हेल्दी. हेल्दी ह्यूमन बींग्स फ्री फ्रॉम डिजनरेटिव डिजीज. If we are healthy, then no disease would come or would enter in our body. अगर हम healthy रहेंगे, हमारे body में proper nutrition होंगे, तो कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती या हमारी body में enter नहीं कर सकती. Healthy people with good working capacity build a strong nation. ऐसे लोग जो हेल्दी होते हैं, गुड वर्किंग, जिनकी वर्किंग कैपेसिटी अच्छी होती है, बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं. क्यों, क्योंकि उनकी उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, इवन उनके अंदर कैपेसिटी होती है हर वर्क को करने के लिए, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते. ले द फाउंडेशन फॉर गुड न्यूट्रिशन इन इन्फेंसी. अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें हमारे डाइट में शामिल करनी चाहिए. फेट शुगर एंड सॉल्ट कितना खाना चाहिए, इट लिस्ट मतलब कम. हमें शुगर सॉल्ट और फेट ये चीज़ें हम कम ही खानी चाहिए. एग्स एंड फ्लैश फूड ये भी हमें कम खाना चाहिए. पल्सेस नट्स मिल्क प्रोडक्ट्स फिश एंड चिकन्स इट मॉडरेटली मीन्स ये हमें पर्याप्त ही खाना है चाहिए. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ईट प्लेंटी ये तो हमें भरपूर मात्रा में खाने चाहिए. एंड सीरियल्स मीन्स दालें ईट प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स भरपूर मात्रा में खानी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू अबाउट द प्रॉपर डाइट फॉर यू कि हमें हमारे खाने में हमारे भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं शामिल करना चाहिए. तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बराबर बराबर मात्रा में लेनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फेट शुगर एंड सॉल्ट इसे हमें कम ही खाना चाहिए. एग्स एंड फ्लैश फूड ये भी हमें कम लेना चाहिए, मीन्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कम ले सकते. पल्सेस नट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड चिकन्स ये सब हमें मॉडरेटली लेना चाहिए, मतलब कभी कभी लेना चाहिए, सॉरी अक्सर लेना चाहिए. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये हमें बहुत ज़्यादा खाने चाहिए. और सीरियल्स मीन दालें, हर तरह की दालें अनाज ये हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर डाइट जो होती है वो हमें हेल्दी बनाती है, इवन हमें रोगों से लड़ने की कैपेसिटी देती है, मीन्स हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम रोगों से लड़ सकते हैं. फीड यंग चिल्ड्रन एडोलसेंट गर्ल्स प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन.
एडिक्वेटली फॉर अ स्ट्रांग नेशन. स्ट्रांग नेशन के लिए हमें छोटे बच्चों को प्रॉपर दूध पिलाने चाहिए. एडोलसेंट गर्ल्स को मीन्स अगर जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं या मोटे होते हैं और थक जाते हैं जल्दी, ऐसे को भी हमें दूध देना चाहिए. प्रेग्नेंट लेडीज उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए. एंड लैक्टेटिंग वुमन, ऐसी वुमन्स जो कि लैक्टेटिंग होती है उन्हें भी अक्सर वो भी स्ट्रांग नेशन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको प्रॉपर डाइट देनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का चैप्टर जो कि न्यूट्रिशन पर डिपेंड था. और आप सबको भी अपना एक डाइट चार्ट बनाना चाहिए. सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी चीज़ें खाते हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन रिफ्रेशमेंट, देन नाइट में डिनर करना चाहिए. और उसका भी एक ड्यूरेशन होता है कि आपको कितने ड्यूरेशन में लंच करना है, कितने ड्यूरेशन में ब्रेकफास्ट लेना है, ये सब उसमें शामिल करना चाहिए. जैसे कि देखा गया है कि आजकल के बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दूध से बहुत दूर भागते हैं. जबकि डियर स्टूडेंट, दूध आपके लिए, जो मिल्क होता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है. क्योंकि वो सिर्फ मिल्क जो होता है वो आपको स्ट्रांग ही नहीं बनाता बल्कि आपकी जो बोन्स होती है उनको भी कैल्शियम देता है और स्ट्रांग बनाता है. तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमें दूध और एग्स ज़रूर लेना चाहिए. और भी बहुत से जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए. क्योंकि आजकल हर एक बच्चे को स्पेक्स लगा हुआ है, मीन्स हर एक बच्चा चश्मा पहनता है. कुछ ही बच्चे होते हैं नेक्स्ट थर्ड में हर एक बच्चे को चश्मा लगा हुआ होता है. क्यों लगा होता है? क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स को नहीं खाते हैं और इससे उनकी आंखें कमज़ोर होती जाती हैं. वो आंखों से जितनी एक्सरसाइज मतलब जितना यूज़ करते हैं उतना उसके लिए वो नहीं कर पाते. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी प्रॉपर फूड लेना चाहिए, अपना एक डाइट चार्ट बनाना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फूड लेना है ताकि आप हेल्दी रहें और स्ट्रांग रहें इंटरनली भी. क्योंकि आप सभी अपने देश का फ्यूचर हो और आप सब जानते हो कि अगर आप खुद स्ट्रांग होंगे, आप खुद हेल्दी होंगे तो आपका फ्यूचर भी हेल्दी होगा और स्ट्रांग होगा. देयर इज नो डाउट बिकॉज यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू फॉर मेकिंग द चार्ट एंड टूडे you have to sit to make the chart and you have to use that chart in your life each means every time. From today you have to start this chart to you have to follow this chart. How you can follow, you have to decide it. Thank you.